ओम शांति। आज हम दादी गुलजार जी का अनुभव सुनते हैं बाबा के साथ में, कि कैसे बाबा छोटे बच्चों को अतः स्नेह भी देते थे और सम्मान भी देते थे। ब्रह्मा कुमारी दादी गुलजार जी अपने अनुभव सुनाती है कि जिस समय मैं ज्ञान में आई, मैं छोटी बच्ची ही थी। एवरेज 9 ईयर्स की एज थी जब दादी गुलजार जी, हृदय मोहिनी दादी कहो, वो जब ज्ञान में आई तब। आते ही बाबा की पालना में ऐसे पले जो मैं समझती हूँ कि द्वापर युग से लेकर आज तक कोई भी प्रिंस प्रिंसेस भी नहीं पले होंगे। हमारा भाग्य था जो हम बाबा के पास पहुंच गई। हमारी लौकिक माँ ऑलराउंडर दादी को बहुत लगन थी। मैं बच्चों में सबसे बड़ी थी। बाबा ने छोटे बच्चों के लिए सुविधा रखी थी कि बच्चे गुरुकुल के मुआफिक यहाँ आकर पढ़ भी सकते हैं और रह भी सकते हैं। मेरे पिताजी को इतना पता नहीं था कि ज्ञान योग क्या है और यहाँ क्या हो रहा है। माताजी को तो गीता के बारे में ज्ञान था न, भक्ति भी बहुत करती थी। इसलिए बड़ी होने के कारण और उम्र 9 साल होने के कारण मुझे बोर्डिंग ओम निवास में भर्ती करवाया। हमारा परिवार रहता था कराची में और बाबा का बोर्डिंग खुला था हैदराबाद में। मैं और मेरी चाची की लड़कियां आदि ग्रुप बनाकर इकट्ठे होकर बोर्डिंग गए थे। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय ग्रुप के सारे चले गए और मैं एक ही रह गई। फिर दादी जी कहती है कि दादी जी स्पेशली कह रही है कि बाबा हमें ठाकुर कहते थे। तो बच्चियां प्रति बाबा की जो पालना थी, जो बाबा बच्चियों को पालना देते थे, वो बहुत ही सुंदर थी। भारत में देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियों को घर में एक गद्दी बनाकर उस पर रखते हैं। वे मूर्तियां सोने चांदी की होती है और उनकी पूजा करते हैं। सिंधी भाषा में उन मूर्तियों को ठाकुर कहते हैं। बाबा हमें कहता था, ये तो मेरे चैतन्य ठाकुर है। हम लोगों को बाबा भी नशा यही चढ़ाया करता था, कि बाबा बच्चों को भी ये नशा चढ़ाते थे कि तुम ठाकुर हो, तुम देवता थे, देवता बनेंगे। ऐसा नशा बाबा ने चढ़ाया था। हम भी उसी नशे में ही चलते थे कि हम बाबा के ठाकुर हैं। हमारी जो दादियां थी वे हमें पढ़ाती थी और दूसरा जो ग्रुप था माताओं का, वो हमारी पालना करता था। यहाँ तक हमारी पालना होती थी कि ब्रश पर पेस्ट डालने की भी हमें जरूरत नहीं होती थी। ब्रश पे टूथपेस्ट भी डाल के देते थे, तो पेस्ट डालकर ही हमें ब्रश दिया जाता था। बाथरूम में कपड़े रखे जाते थे, रोज हमारी मालिश होती थी। इस प्रकार अच्छी से अच्छी पालना बाबा करते थे। बाबा कहते थे, रोज इनको पहले मालिश करो, बाद में स्नान कराओ। बाबा ये भी कहते थे कि भक्त जन मौसम के पहले फल अपने इष्ट को भोग लगाते हैं। वो जड़ मूर्तियां हैं, ये तो मेरी चैतन्य मूर्तियां हैं। इसलिए मौसम का जो भी फल निकलता है, पहले इन ठाकुरों को भोग लगाना चाहिए। इस तरह बाबा मौसम के फल का पहला भोग हमें ही लगाते थे, अर्थात खिलाते थे। बाबा कहते थे कि ये मेरे खाने वाले ठाकुर है। वो जो बाबा कहते हैं जड़ जो है वो जड़ है और न खाने वाले ठाकुर है। बाबा फलों को खुद काटकर एक बाल्टी में भरते थे और जब हमें क्लास के बीच रिसेस अर्थात छुट्टी मिलती थी, तब बाबा एक एक बच्चे को अपनी बाहों में लेकर उसके मुख में फल का टुकड़ा रखते थे। इतना प्यार से हम बच्चों की पालना करते थे बाबा। बाबा हमें रोज गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करने आते थे। दादी जी ये भी एक्सपीरियंस सुना रहे हैं कि खुद बाबा हम बच्चों के लिए लेसन्स लिखते थे। उन लेसनों को दादियां हमें पढ़ाती थी। बाबा डायलॉग बनाते थे, हम उन पर एक्टिंग करते थे।
बाबा गीत कविता लिखते थे और दादी मिट्ठू उन गीतों को गाकर हमें सिखाती थी। रोज सवेरे दादी चंद्रमणि हमें ड्रिल कराती थी। ड्रिल करने से पहले हमें आज जैसे योग नहीं करते थे, परंतु बेड पर बैठकर एक दूसरे को आत्मा आत्मा देखने का, समझने का अभ्यास करते थे। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन था। बाबा हमें आत्मा का पाठ पक्का कराता था। चंद्रमणि दादी हमारी ड्रिल मास्टर थी। रोज सवेरे ड्रिल के बाद बाबा हमसे हाथ मिलाकर गुड मॉर्निंग करने के लिए ड्रिल मैदान पर आते थे। हम सब बच्चे एक बड़े हॉल में रहते थे जिसमें 80 पलंग डाले गए थे। कितनी बड़ी डॉर्मेट्री थी, सोच सकते हैं। रात को सोते समय हमें संभालने वाली माता बिस्तर आदि सब ठीक ठीक करके हर एक पलंग पर मच्छरदानी लगाकर हम बच्चों को अंतर बिठाती थी, अंदर बिठा देती थी मच्छरदानी के, और टॉर्च लेकर हर एक मच्छरदानी को चेक करती थी कि अंदर कोई मच्छर तो नहीं है। फिर वह माता मच्छरदानी बंद करके जाती थी, जैसे मंदिर में मूर्ति के सामने पर्दा डालकर बंद कर देते हैं। उसके बाद मम्मा बाबा आते थे और एक एक से गुड नाइट करके जाते थे। ऐसे रोज मम्मा बाबा हमें गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करके जाते थे। ऐसे कोई माँ बाप है सारे जग में जो 2 समय बच्चों के पास जाकर गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करे? सत्ययुग में भी नहीं होंगे ऐसे तो। पर बाबा हमें दिन के 3 प्रहर में 3 रूप धारण कराते थे। दादी जी कहते हैं, बाबा ने सिर्फ हमें अच्छे से अच्छी पालना ही नहीं दी, साथ साथ ज्ञान भी देते थे। बाबा हमें कहते थे कि रात को जब पलंग पर मच्छरदानी के अंदर बैठ जाते हो, तब 3 मिनट अपना चार्ट देखो कि सारे दिन में आपने क्या किया। बाबा हमें उस समय यह ज्ञान देते थे। बाबा क्या ज्ञान देते थे उस समय? कि बच्चे तुम ही ब्रह्मा बनते हो, विष्णु बनते हो और शंकर भी बनते हो। सुबह को उठती हो, सृष्टि रचती हो तो ब्रह्मा बन गई। दिन में पालना करती हो तो विष्णु बन गई। फिर रात को तुम शंकर बनते हो, शंकर बन के सारे दिन की दिनचर्या रात को खत्म कर दो। कहते हैं ना कि शंकर विनाश करता है, वैसे तुम अपनी उस दिन की दिनचर्या की समाप्ति करो। हमारे ऐसे नियम थे कि पहले एक ट्यून बजती थी, तब हम अपने चार्ट को चेक करते थे। उसके बाद बाबा मम्मा गुड नाइट करके जाते थे। उसके बाद और एक रिकॉर्ड बजता था। उस समय अपने को आत्मा समझकर हमें बैठना पड़ता था। उस समय परमात्मा का ज्ञान नहीं था, अर्थात बताया नहीं जाता था, केवल आत्माभिमानी बनने का ज्ञान दिया जाता था और अभ्यास कराया जाता था। 3 मिनट यह योग चलता था। इसमें हम आमने सामने एक दूसरे को आत्मा समझकर उनको आत्मिक रूप में दृष्टि देते थे। इसके बाद यह रिकॉर्ड बजता था कि सो जा राजकुमारी, सो जा। इस रिकॉर्ड पर हम सो जाते थे। रिकॉर्ड बजते ही सारे के सारे इकट्ठे सो जाते थे। वो दृश्य देखने लायक होता था। हम ऐसे सोते थे कि जैसे कि बाबा के ठाकुर सो रहे हैं, राजकुमारियां सो रही है। तो हम भी आज ऐसे ही अनुभव करें कि मम्मा बाबा आए हैं और हम चैतन्य ठाकुरों को सुला रहे हैं। 3 मिनट चार्ट लिखकर बाबा को सौंप कर 3 मिनट के लिए बाबा की मीठी मीठी याद में सो जाना, जैसे बाबा हम राजकुमार और राजकुमारियों को सुला रहे हैं। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रयोग द्वारा पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाएंगे संगठन में बाबा के घर के लिए।
शुभ रात्रि। कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे दादी गुलजार के चैतन्य अनुभव सुनकर चैतन्य ठाकुर बनने के शक्तिशाली प्रयोग करेंगे। बीबी बाबा को मीठी मीठी गुड नाइट करके प्यार भरी नींद में सोने से पहले बाबा को चाट दे दे। अच्छा, ओम शांति।